हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हमारी मस्ती की पाठशाला में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर को जॉइंट कैसे करते हैं। जैसे कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा मॉनिटर स्क्रीन होती है उसके अंदर एक केबल होती है, उस केबल को जॉइंट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं आपको केबल दिखाना चाहूँगा जो बोलते हैं वीजीए केबल। अगर आप देख रहे होंगे इसके अंदर छोटी छोटी पिनें दिखाई दे रही हैं। जो नॉर्मल हमारी वीजीए केबल आती है उसके अंदर हमारी 15 पिनें होती हैं। ये देखेंगे इसके अंदर जो हमें पिन दिखाई दे रही हैं वो 15 पिन होती हैं। उसके बाद जब हम इसको सीपीयू के अंदर कनेक्ट करते हैं तो इस तरह का आपको ये पेज दिखाई देगा। इसको हम जब लगाते हैं सीपीयू के अंदर और मॉनिटर स्क्रीन के अंदर, ये आप देख पा रहे होंगे ये पेच होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको सीधे ही ऐसे ही खींचते हैं तो उससे हमारी ये केबल और मॉनिटर और सीपीयू के अंदर इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी तो बोर्ड के अंदर जो स्लॉट लगा होता है, यानी मदरबोर्ड के अंदर जो स्लॉट लगा होता है, इसको इतनी ज़ोर से खींचते हैं कि वो टूट जाता है, जिसकी वजह से आपका बहुत नुकसान हो जाता है। तो अभी हम इसको लगाना बताएंगे आपको कि इसको किस तरह से लगाया जाता है। तो अभी आपने देखा वीजीए केबल, उसके बाद हम इसको दिखा रहे हैं कि हमारी एलईडी के अंदर ये स्लॉट होता है वीजीए केबल लगाने का। जैसे ही हमारी पिन है वैसे ही इसके अंदर ये स्लॉट है। और इसमें ये देखिए ये जो पेज दिखाई दे रहे हैं, पेज कसने का ये है, जो हमने वीजीए केबल में दिखाए थे ये वाले पेज, तो उनको हम इसमें कसते हैं। अब ये देखिए हम इसको लगाते कैसे हैं। इसको नॉर्मल तरह से पकड़िए और इसको ऐसे करके लगाइए। अगर आपने उल्टी लगा रखी है तो ये नहीं लगेगी। इसको आप घुमाकर आराम से, और आपको इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर ये उल्टा लगा हुआ है तो ये कस ही नहीं सकता, तो इसीलिए इसको बड़े प्यार से सीधे, ये देखिए बिल्कुल आराम से ये लग चुका है। अब हम इसके अंदर ये पेज कसते हैं। ये देखिए पेज को थोड़ा सा ऊपर करके हम इसको ऐसे करके टाइट करते रहते हैं, और हम इसको जब तक टाइट करेंगे जब तक ये हमारा रुक ना जाए, अच्छे से टाइट ना हो जाए। इसी तरह से हम इसको भी टाइट करेंगे। ये देखिए कि वीजीए केबल को हमने एलईडी स्क्रीन के साथ कैसे जॉइंट किया है, उसी तरह से हम बताते हैं पावर केबल जो होती है उस पावर केबल को आप किस तरह से एलईडी के अंदर और सीपीयू के अंदर लगाते हैं। ये हमारी पावर केबल है, इससे हमारी मेन पावर जाती है। जो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है छोटे या बड़ा, इजीली आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन उसमें लगाने से पहले हम इस वाली केबल को सबसे पहले अपनी एलईडी स्क्रीन के साथ जॉइंट करेंगे। तो आइए दिखाते हैं हम आपको कि इसका स्लॉट कहाँ पर है और कैसे है। ये देखिए ये केबल आपको दिखाई दे रही है, और ऐसे ही सेम स्लॉट हमारा यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये केबल है। इसको अगर आप ऐसे करके लगाएंगे तो ये नहीं लगेगी, क्योंकि इसके अंदर जो ये पोर्ट का स्लॉट बना हुआ है केबल के हिसाब से ही बना हुआ है, और केबल इसके हिसाब से बनी हुई है। तो हम इसको उल्टा लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इसको बड़े प्यार से, ये देखिए ईजीली, और इसको ऐसे हिलाकर नहीं लगाना। अगर ऐसे हिलाएंगे तो अंदर का स्लॉट जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए बिल्कुल सीधे इसको टाइट कर देते हैं। ये टाइट हो चुका है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सीपीयू के पास। हम बताते हैं सीपीयू के अंदर कौन कौन सी केबल और कहाँ कहाँ लगाई जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें भी पावर केबल लेकर चलते हैं, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एलईडी स्क्रीन के साथ लगाई, सेम वही केबल हमारे सीपीयू के अंदर लगती है। तो उसका स्लॉट हम दिखाते हैं। आइए, ये हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो स्लॉट है ये एसएमपीएस के अंदर स्लॉट है, ये पावर केबल के लिए स्लॉट है। सेम वैसा ही ये आपको केबल दिखाई दे रही होगी, सेम वही चीज़ जो एलईडी के अंदर है, सेम वही स्लॉट यहाँ पर है। तो अब हम इसको जॉइंट करना बताते हैं। ये देखिए इसको बड़े प्यार से आप ऐसे लगाएंगे और ये अंदर चला जाएगा। इसको ऐसे हिलाकर नहीं लगाना, क्योंकि ये लूज़ हो जाता है स्लॉट, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम करता है। तो इसीलिए हम जैसे अंदर किया है हमने, सेम वैसे ही जब हमें निकालना है तो हम इसको ऐसे ही बाहर निकाल देंगे। तो ये सीपीयू के अंदर पावर केबल हमने लगा दी है। कि अब हम जोड़ते हैं सीपीयू के अंदर कीबोर्ड। कीबोर्ड की केबल देखिए आप बड़े ध्यान से, इसका कलर और ये पिन देखिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, कभी कभी हमारे माउस और कीबोर्ड सेम पिन के मिल जाते हैं हमें, तो हमें प्रॉब्लम होती है कि ये स्लॉट हमारा पीछे जो है सीपीयू के अंदर वो स्लॉट दोनों सेम है। कभी हमें ये प्रॉब्लम होती है कि माउस का ये है या कीबोर्ड का ये है, तो उसमें हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अभी मैं सबसे ईजी तरीका आपको बताता हूँ कि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसको याद नहीं करना, सिर्फ हमें देखना है कि ये वाला कलर हमारा जो दिखाई दे रहा है, ये आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बैंगनी टाइप में मुझे नज़र आ रहा है। इसको कलर को बोलते हैं थोड़ा लाइट स्काई ब्लू है। तो मैं इस कलर को आपको दिखा रहा हूँ, सेम यही कलर, ये देखिए ये यहाँ पर कलर दिखाई दे रहा है और सेम यही कलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम कलर का ध्यान रखेंगे।
तो इस कलर को ध्यान रखेंगे, ये पिन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसके अंदर एक ब्लैक कलर की पिन दिखाई दे रही है छोटी सी। सेम उसका जो खाँचा बना हुआ है या सीपीयू के अंदर बना हुआ है, हम इसको अगर उल्टा सीधा करेंगे, ऐसे करके लगाएंगे, ऐसे करेंगे, तो ये टूट जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये वाले हिस्से को हमें बाहर की तरफ रखना है। ये देखिए, बड़े प्यार से इसको आप ऐसे के ऐसे ही लगा देंगे, ये लग जाएगी। अगर आपने इसको उल्टा या सीधा किया, ऐसे करके लगाया, तो इसके अंदर जो छोटी छोटी पिनें हैं वो टूट जाएंगी, मुड़ जाएंगी और हमारा कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो हम इसको लगाते हैं, ये देखिए बड़े प्यार से हमने इसको सीपीयू के अंदर लगा दिया। तो अभी आपने देखा कीबोर्ड को कैसे सीपीयू के अंदर लगाया जाता है, अब हम बताएंगे आपको माउस को सीपीयू के अंदर कैसे लगाया जाएगा। जैसे कीबोर्ड लगाया वैसे ही आप माउस को लगा सकते हैं, क्योंकि जस्ट उसके बराबर में एक स्लोट है जिसको आप यहाँ पर कीबोर्ड, सेम कीबोर्ड माउस का जो स्लोट होता है हमारा, इसी कलर का मिलेगा आपको। इस कलर का जैसे ये है, इस कलर का सेम वैसे ही माउस का मिलेगा। लेकिन माउस आजकल USB माउस भी आ रहे हैं, USB कीबोर्ड भी आ रही है। तो ये हमारा जो है, ये USB माउस का स्लोट है, इसको हम जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं, सेम वैसे ही हमारे CPU के अंदर स्लोट हैं। ये पीछे देखिए, 1, 2, 3, 4 स्लोट आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से किसी भी स्लोट के अंदर आप इसको ईजीली लगा सकते हैं, ये देखिए। और मैं फिर आपको बताऊंगा कि अगर उल्टा लगा हुआ है तो वो नहीं लगेगा, और आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सीधा है तो वो ईजीली अंदर चला जाएगा, ये देखिए सीधा था, लग गया। अगर हम इसको ऐसे ही उल्टा करके लगाएंगे, ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे उल्टा कर देता हूँ तो ज़बरदस्ती होगी, और ज़बरदस्ती में या तो ये टूट सकता है या हमारा वो टूट सकता है, और नुकसान आपका होना है। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। ये देखिए, ये हमारा माउस लग चुका है। चलते हैं सबसे मेन, जो हमारे CPU से जो आपको डिस्प्ले दिखाएगी, VGA केबल होती है, जो हमने LED स्क्रीन के अंदर लगाया था, सेम वही केबल हमारी, सेम स्लोट, सेम सब चीज़ वही सेम हमारी CPU के अंदर जाएगी। ये देखिए CPU के अंदर जो स्लोट है, सेम कलर, आपको कुछ भी चीज़ ध्यान नहीं रखनी। 1, 2, 3 ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा ये वाला कलर और ये कलर सेम है, तो हम कलर का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये देखिए, तो हम इसको बड़े प्यार से जैसे LED के अंदर लगाया, सेम वैसे ही इसको हम लगाते हैं। अगर हमने इसको उल्टा पकड़ा है तो ये नहीं लगेगा, ये देखिए। अगर मैं इसके साथ थोड़ी सी भी ज़बरदस्ती करता हूँ तो पिन मुड़ जाएंगी, तो इसलिए हम इसको वापस थोड़ा सा घुमा लेते हैं और बड़े प्यार से इसको हम ऐसे करके लगा देते हैं। अब उसके बाद जो हमारे ये पेज दिखाई दे रहे हैं, हम इनको जैसे LED में टाइट किया था वैसे ही हम यहाँ पर CPU के अंदर टाइट करते हैं, और इसको इतना टाइट करेंगे कि ये हिले ना। अगर हिलेगा तो आपकी स्क्रीन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिए, कलर फेड या अप डाउन जो कलर हमारे चलते हैं वो इस VGA केबल की वजह से होते हैं। अगर ये हिलती है तो हमारे कलर में प्रॉब्लम आती है। ये अब हमारा टाइट हो चुका है, ये देखिए अब हिल नहीं रहा। तो हम इसको यहाँ पर, ये हमारा हुआ CPU, LED, कीबोर्ड, माउस को CPU के अंदर सेट कर। तो ये वीडियो हमने उनके लिए बनाई है जो बिल्कुल न्यू अपने घर में कंप्यूटर लाते हैं, और फिर ये देखते हैं कि हम किस तरह से इसको ज्वाइंट करें। तो आज हमने आपको ज्वाइंट करना बताया है, और अभी हम इसके अंदर पावर देंगे, तो आप देखेंगे कि उस पावर कोर्ड के अंदर हम पावर केबल लगाकर CPU को ऑन कैसे करेंगे। तो अभी आपने देखा कि हमने कीबोर्ड भी लगा दिया, माउस भी लगा दिया, पावर केबल भी लगा दी, VGA केबल भी लगा दी। अब हम मेन बोर्ड के साथ इसको पावर देने जा रहे हैं। ये पावर केबल आपने देखी थी कि हमने लगाई है, ये बोर्ड, ये प्लग आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। वैसे ही हमने जो CPU के अंदर एक पावर केबल लगाई, तो हमारे पास अब ये 2 पोर्ट हैं। इन 2 पोर्ट को अब हम पावर बोर्ड के साथ जोड़ेंगे। ये नॉर्मल पावर बोर्ड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं पावर बोर्ड को। और अब हम इसके अंदर इसको कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, लगाने से पहले ये ध्यान रखना कि हम स्विच को ऑफ करके रखें। ऑन करके रखेंगे तो हो सकता है यहाँ से कोई चिंगारी या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ चीज़ शॉर्ट हो सकती है। तो इसको बड़े ध्यान से आप लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही किसी भी पोर्ट के अंदर जो आपका वर्किंग में है उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लगाने के बाद आपको स्विच ऑन करने हैं। तो अब हमारा CPU कंप्यूटर, यानी हमारा कंप्लीट कंप्यूटर तैयार है चालू होने के लिए, क्योंकि हमने सारी केबल जोड़ दी, पावर केबल भी जोड़ दी। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम शुरू करना है। तो हमारे CPU के अंदर जो बटन होते हैं, ये देखें, यहाँ पर हमारे CPU के अंदर पावर बटन दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ इसको प्रेस करेंगे और ये हमारा CPU ऑन हो जाएगा। ये देखिए, अभी कुछ ही समय में हमारे LED स्क्रीन पर स्क्रीन आ जाएगी। तो आप देखिए, ये HP का है, ब्रांडेड PC है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, आपके सामने कंप्यूटर हमारा चालू हो रहा है।
उम्मीद है आपको ये जो हमने केबल जॉइंट की है, कीबोर्ड माउस वीजीए केबल और अपने अपने कंप्यूटर को चलाने लायक तैयार कर दिया है उसमें केबल जोड़कर, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम चाहते हैं कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं और हमारी शुरुआत कंप्यूटर में कैसे होती है और कहाँ से होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।